ईसा राज बच गया। अरे ला तू जब करता। हाँ खुश रही चलो बाबू, क्या करें, हम तो लौट के राजेंद्र नगर आ गए थे आज सवेरे से। अपना मोजो है हमारा कुत्ता, उसको वेटनरी लेके गए हुए थे इलाज करवाने। लौट रहे थे तो एक भाई आ गए कि हमारे गाड़ी से चली है, अपना गड़िया भेज दीजिए, तो हम उसमें उसको मोजो को भेज दिए घर के लिए। राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज के नीचे अचानक से एक भाई कॉल किए कि एगो खुशखबरी है। बोले बोलिए। वेद प्रकाश फुलवा ए खोजा इमली के पास, मजार के पास खड़ा है। हम बोले अरे यार, हम बोले गाड़ी मुड़ी गाड़ी मुड़ी गाड़ी मुड़ी। हम बोले कि उनको भी पकड़ के रखिए, तो बोले कि नहीं, पांच छह लोग से है। बोले अच्छा ठीक, गाड़ी तो मोड़ दिए। अब उसके बाद पहले अपना लड़का लोग कॉल किए कि वो इनपुट दे रहे थे कि फुलवाड़ी की तरफ निकला है, तो लड़का लोग फोन किया कि फुलवाड़ी की तरफ है, जितना फुलवाड़ी का लड़का लोग है उसको आगे से कवर कीजिए, तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मैंने पटना का इस समय ट्रैफिक फिर से है, थोड़ा जाम हो जाता है। किस तरीके से फिर भी स्पीड बढ़िया था, 10 से 20 मिनट के अंदर तो हम लोग फुलवाड़ी एंटर कर गए थे। नौबतपुर की तरफ ही निकल गया, नौबतपुर के तरफ निकला, तब मजबूरन हमको लाइव आना पड़ गया, क्योंकि अब एट ए टाइम लोग को फोन कर करके एक एक आदमी को बताने पर कितना समय लगता। लेकिन लाइव में हम इसलिए लाइव किए थे कि कम से कम लड़का लोग तुरंत खबर दे दे। अब अपना अपना भी जिम्मेदारी लोग ले, क्योंकि हमको अकेले फोन करना पड़ता सबको, और सब लोग एक दूसरे को कॉल कर लेगा तो जल्दी काम हो जाता। लेकिन तुरंत में नौबतपुर मैनेज हो गया, भवनपुरा से लेकर के नौबतपुर चिरौरा के पास खेल रहा था 20-25 को, सब क्रिकेट आज मैच था, तो राहुल देव को फोन किए। हम सोचे पहला नंबर उसी उन्हीं का था, तो हम बोले कि राहुल तो नहीं देखा तो नहीं, अगर नौबतपुर है तो ना, हम तो पटना है ले, हम तो फोन करे तो नहीं, हम तो बाकी लेकर फोन करे। तो चिरौरा लोग जो मैच खेल रहा था वो सब तुरंत में NS-98 घेर लिया, और लड़का लोगों को फोन किए, वो सब बैरियर लगा दिया बीच 98 पर, नौबतपुर लोहा का, नौबतपुर थानवा के पास, थाना अलग अलर्ट हो गई। भवनपुरा का लड़का सब एम्स के आगे घेर लिया। इस साला को बताइए कि हम उस समय जिस समय एयरपोर्ट के पास थे, उस समय ही नौबतपुर की तरफ एंटर किया, नौबतपुर वाला लेन में घुसा था। इसको इनपुट जैसे ही अपने ही भाई लोग जो अचानक से पोस्ट करना शुरू कर दिया ना इसका गाड़ी नंबर के साथ, तो बाकी लोग के आईडी में लोग जो जुड़ा हुआ है उसका समर्थक सब, वो सब इनको फोन कर दिया कि नौबतपुर पूरा आपका कवर किया हुआ है, नहर वाला रोड में लड़का सब घेरे हुए था, NS-98 पूरा कवर कर दिया सब। अभी साला जैसे ही हम लोग एम्स की तरफ निकले फुलवाड़ी कोलंबर से, हम इस बॉर्डर इस लाइन पे थे क्वीन पैलेस के पास, बीच में बॉर्डर है और ये इस साइड से आने वाला जो साइड है उसमें से तेजी में गाड़ी घुमा के आ रहा था, तो समझ में आ गया कि इसको नौबतपुर से खदेड़ा लड़का सब, तो ये वापस सोचा कि निकल रहे, मेरा गाड़ी इस साइड था यहाँ पर आ गया। इसको बोले कि रुक 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 सला रुक, इसको किसी तरीके से, हम लोग का डिवाइडर दूर था कि थोड़ा टर्न लेकर आना पड़ता, इस सीधा आया डिवाइडर से, यहाँ पर भी एक कट था यहाँ पर भी एक कट था। ये डिवाइडर जैसी देखा कि हम लोग इसका पीछे घुमाए गाड़ी, तो फिर एक बार डिवाइडर को घुमा, फिर 1 किलोमीटर तक इसका पीछा होता, फिर दोबारा घुमा एक ही जगह पर 3 बार गोल गोल, और उसके बाद तीसरा में एक ट्रक बीच में आ गया, हम लोग इधर हो गए और ये गली के अंदर घुस गया। अब फुलवाड़ी वाला रास्ता ट्रक उड़ा के कारण थोड़ा जाम हो जाता है, उसी में निकल गया 2 मिनट के इसमें तो आज। उसके बाद BMP तक तो घेर लिया, नौबतपुर वाला लड़का सभी तक पहुंच गया, लेकिन आज इनका ऐसा रिलाई कर देते हैं, समझ ही में हम लोग को पहले नहीं आया कि गली निकलती कहाँ है। जब तक लोकल लोग से पता किए तब तक पता चला कि BMP निकलता, तो हम लोग को लेट हो गया ना, तो BMP के पास भी लड़का लोग को खड़ा कर दिए थे। आज तो पूरा पटना ही छका गया था, जिस तरीके से इसकी माँ खरजतिया करके इसको बचा ली है, आज बढ़िया खेल हो जाता बेटा, आज तुम्हारी माँ का जाकर पैर छूना। तुम ना हिंदू नहीं मानता है, रीति रिवाज देवी देवता को नहीं मानता, हिंदू धर्म को नहीं मानता है, मैया माना लो, आज बच गया खरजीतिया के कारण। पत्रकारिता छोड़ा देंगे बेटा तुमको, समझा, जिस दिन कहते ना कि जिस दिन दिमाग पर ले लेंगे पत्रकारिता छोड़ा देंगे, आज तो आज लग रहा था ना कि कुत्ता बिल्ली वाला खेल चल रहा है, बुझा गया पटना में।
अभी तो कम, अभी तो तुम निकलता जहानाबाद तक रेलते बेटा, अगर तुम नवदपुर टप जाते तो आज तुम्हारा काल था। तुम गाली देगा बाबा को, गाली देगा। कहे थे कि जातिगत टिप्पणी करके पत्रकारिता मत कर, तुम गाली दिया तो बहुत बढ़िया, बाकी गाली देता है तो तुम साला रोने लगता है। आज तो तुम्हारा खेल खेला देते, लगाता है CST एक्ट आज तुम। जाके आज वीडियो बनाओ, हम तो चाह रहे हैं कि तू FIR कर बेटा, तो पेशी में तुरा धरेंगे। तो कोर्ट पहुंच, कोर्ट में अगर धरा गया तुम्हारा हम खेल कर देंगे। तो मना किया ना, जितना पत्रकारिता इस जातिवाद पर जो कर रहा है, खुला चेतावनी आज दे दिए हैं। कल वो को समझाए थे कि अगर सही है तो ठीक है, अगर मन में जातिवादी कीड़ा तो खेल खिला देंगे हम भारत है, कोई खड़ा नहीं होने का। माइकल लाल पैदा लेगा, अभी ऐसे ही भागना पड़ेगा कि जहां नींबू नहीं घुस रहा था ना, वहां बलेनो घुसा दिए ना, हुसैन गली में खेल खिला देंगे बेटा। मोटरसाइकिल जाए वाला गली में तुम बलेनो घुसा ना दिया रे, जान के खगन समझ में आया कैसा होता है। हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर करके कह, तुमको क्या लगा था कि मजाक कर रहा है लोग। तुम बचाओ, तुम करो, भागो, जहां कहां तक भागेगा। आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है और तुम्हारा एक एक लिंक मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अब तुम राजवंशी नगर, पटेल नगर, राजवंशी नगर, अब तो तुम्हारा छावनी में बदल देंगे। समझाते हैं तो लोग को लगता है कि अभी हवा में बात हो रहा है। हम कहते ना फेसबुकिया नहीं है रे बेटा तुमको। आज हमसे गलती हो गया कि हमको लाइव मजबूरन करना पड़ गया, होता तुम छेक आ गया, ना तो हम तो फोने पर खेल कर देते हैं अगर एग्जैक्ट लोकेशन हो जाता तुम्हारा तो। समय ठीक ना था, मैया खरजीतिया कर लियल, आज जाके हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगा ये दोबारा से, आज ही दोबारा हिंदू हो जाएगा। आज वेद प्रकाशवा दोबारा हिंदू हो जाएगा। मना किए हैं, कोई अगर धर आ गया ऐसा, कोई देवी देवता पर टिप्पणी करे वाला, कोई जाति पर खेलने वाला, अगर कोई धर आ गया ऐसा तो ध्यान रख बेटा कि लंका में रावण, बिहार में कोई ना बोली, मोहल्ला भर के लोग शेर होता है समझा, भर बिहार खदेड़ देंगे तुमको, नवादा नालंदा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, जिस दिन जहां तुम धरा गया कोई नहीं बचाएगा। कह तो दिए आज से तुम्हारा बलेनो का नंबर, अब तो अच्छा हुआ कि बलेनो के तो नंबर मिल गया, अब तो तुम्हारा पोस्टर छप जाएगा। या तो पत्रकारिता छोड़ दे तो जातिवाद छोड़ दे, साफ सुथरा पत्रकारिता करो, हम भी चाहेंगे। अगर किसी एक वर्ग को तंग करने का कोशिश किया इस सोच के कि सरकार तो रहे, तो ये वर्ग जो है ना, ये सरकार देखकर नहीं जिया आज तक। आज 30 साल से दूसरे दूसरे की सरकार है, हुकूमत आज भी हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। सरकार और मसीहा के भरोसे ही वर्ग नहीं जिया आज तक, समझे। पूरा सिस्टम रहेगा मुखिया जी के कंट्रोल में, भले तुम रहोगे सरकार के रोल में, क्या समझे। सब जाति पर तू टिप्पणी करता है, जातिगत न्यूज बनाएगा। आज बढ़िया खेला पड़ जाता बेटा तुमको, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा जरा इसको, हिंदू देवी देवता पर, ये माता दुर्गा पर भी बहुत गलत सलत टिप्पणी किया। इसको ढूंढ रहे थे बहुत दिन से, लेकिन दिमाग से पे छोड़ दिए थे कोरोना वोरोना के चक्कर में, तो सोचा कि अब हम बहुत ढीठ हो गए हैं, भर पटना घूम घूम के पत्रकारिता कर रहे हैं। ये कहीं धरा जाए, कहीं धरा जाए इसका, इसको याद दिला देंगे, इसको पता चल जाना चाहिए कि कहां पानी में रह के मगर से बैर कर रहा है, इसको बुझा जाना चाहिए। जब तक दोबारा से इसको हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करवा देंगे ना, ऐसा नौबतपुर वाला लेकिन खाली इतना खेल खिलाया ना रे,
जो दिन तेरा जहानाबाद नालंदा वाला लेकिन धर लेगा उस दिन तुमको बुझाएगा। ऐसे तो बहुत कम हम फॉर्म में थे, तो लौट रहे थे, न तो आज हम सवेरे वाला मूड में रहते आज जिस तरह से थे तो आज तो तुम्हारा बढ़िया खेल हो जाता। खुश रहो विकास, जय श्री राम। कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, इंतजार कीजिए, जहां धराया इसको पत्रकारिता सिखा दीजिए, इसको पत्रकारिता सिखा देंगे। हाँ, पूरा सिस्टम रहेगा मुखिया जी के कंट्रोल में। ना रहता राती भागेगा खेता खेती तक, भागे थोड़ देंगे। अब तो रडार में आया है, कल से तो इनका पर्चा छप जाएगा भर पटना में। ये करत ना पत्रकारिता, रात में ही रात में निकलेगा। देखिए 12 बजे 8 बजे 9 बजे जब सब लोग घर घुस जाए, कर्फ्यू लगा, तभी निकलता पत्रकारिता कर। जनरली पत्रकारिता मुसलमान के मोहल्ला में जाके या मुसलमान समर्थक का सीपीआई वाला के मोहल्ला में जाके पत्रकारिता करता है। वहां लगता है कि सीपीआई के यती है, इसको बचा लेगा मियां सब। कोई नहीं बचाएगा बेटा, कोई नहीं। आज तो खेला हम करा देंगे बढ़िया। जहां मिले फोन करिए तुरंत एकदम, और नहीं तो वहां के लोकल लोग को तुरंत कहिए कि हम दानशु भैया का आदेश है कि कहीं दिखाई दे इसको धर के रख लेना है। इसके सामने सामने जब तक पूछेंगे नहीं, इससे बतियाएंगे बढ़िया से, बढ़िया वाला इसको चुमा लेंगे, बहुत प्यार करेंगे इसको। ये का है भाई, क्या प्रॉब्लम था के तुम्हारी मां को उठा के ले गया था, इतना तुमको खुन्नस का है? ये कभी तेजस्वी के गाली देता है, कभी रामविलास के गाली देता है, कभी चिराग के गाली देता है, कभी भगवान को गाली देता है, कभी देवी देवता है गाली देता है। कहता महिषासुर अमर रहे, महिषासुर इनका बाप थे साले के, इनका बढ़िया खेल होगा। अभी तो खेला होबे हो जाता ममता बनर्जी वाला रे आज। बहुत तू दौड़ा सलामत, डीजल इतना खर्चा हुआ, लाइकन के एनर्जी इतना खर्चा हुआ, पूरा माहौल NS98 के गड़बड़ा गया नहर से लेकर के। तुम साला आज बहुत तंग किया है, बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा बेटा, तुम बहुत दिक्कत में बेटा। वेद प्रकाश सॉरी एक्टिविस्ट ना है तू, सीपीआई के माले से तो 36 के आंकड़ा बचपन से चला ही है। क्या कहा था कि झंडा ढोए चमार और नेता बने भूमिहार, कन्हैया को ना नेता, वो तो नेता ही तोरा सिखाएगा, उसके तो फेरे में मत पड़ना, वो बेगूसरैया है। तुमको तो अभी इधर है, अभी गंगा ई पार वाला तुमको समझाएगा ये क्या है। जो उन दिन धरा गया पत्रकारिता छोड़ दो ना, देना वेद प्रकाश आज फिर से कह दे रहे हैं, या तो बढ़िया से करो, शुद्ध पत्रकारिता करो। जाति पूछ के अगर पत्रकारिता करोगे तो आज तुम्हारी मां का खर्जितिया एक बार बचा लिया, अगला बार तुमको बहुत दिक्कत कर देगा लेकर। अब तो लेकर अलर्ट है, हमको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको तो बस एक बार चिंगारी देना रहता है, बाकी बच्चा सब काम खुद कर देगा। बाबा चौक के पास घर ना है, बाबा चौक के पास घर रहेगा तो कलेट आ जाएगा। अरे साला घर बदलते रहता है, बीच में गांधी मूर्ति रह रहा था, गांधी चौक रह रहा था अशोक राजपथ में, वहां खोजे थे, वहां से भाग गया। एक बार 0 माइल धरा गया था, भागा भागी में आड़ी में कूद गया, आज तीसरा बार था इसका। अच्छा कोई बात नहीं, आज अंतिम कौन है भाई, प्लीज ख्याल रखिएगा। और लड़का लोग बहुत मेहनत किया आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एक्टिव था और एकदम एक्टिव रही है। संस्कृति धर्म और माँ बहन के साथ जात और समाज के साथ अगर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा।
आज राइफलवा घूर देती खाली इनकर अंदर है। खैर करके हम गाड़िया बदल दे। चले ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखिए, कहीं पर भी इस तरीके का कचरा और गंदगी फैलाने वाला कोई मिले, चाहे पत्रकार है कहा नहीं हो, आजकल सब माइक लेके पत्रकार बन जा रहा बिना जर्नलिस्ट के, जर्नलिज्म के डिग्री के, रेल के रख दीजिए रेल के, ताकि आज के बाद कोई भी भारत में गलत पत्रकारिता करने से पहले 10 बार सोचे। बाप बनाने दीजिए इसको, गा बाप बन जाएगा। चलिए ठीक है, रात बहुत हो गया, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव। तनी सुते जाई थी, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। अरे कर फोने से आज लाइव आते हैं, ये करे चैनल पर लाइव चलवा देते हैं कर, ताकि लोग देखता कि हाँ आज पत्रकारिता कैसे होता है। खैर कीजिए, इनकर माता श्री के बहुत बहुत धन्यवाद। खर जीतियाला, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बिहार, जय मगध। मुखिया जी अमर रहे हैं।